दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच सीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ। कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू होगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। सिसोदिया ने कहा, सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए। मनीष सिसोदिया ने कहा, प्राइवेट ऑफिस 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी से चलेंगे, लेकिन मास्क लगाना जरूरी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हुए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी ये जानकारी, लिखा, हम आइसोलेशन में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हल्के लक्षण हैं, मेरे संपर्क में आने वाले लोग कोरोना की जांच करा ले। दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। मनोज तिवारी ने ट्वीट में लिखा, 2 जनवरी से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था, कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा सका, खुद को घर में आइसोलेट किया। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो भी कोरोना से संक्रमित, बाबुल सुप्रियो की पत्नी, पिता और खुद स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार, सिर्फ 50% सीटों पर यात्रियों को सफर की है मंजूरी, मेट्रो में यात्रियों के खड़े रहकर सफर पर पाबंदी है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के एमबी रोड पर बस यात्रियों की कतार लगी, लेकिन बस रुकने पर टूटता दिखा यात्रियों का सब्र, धक्का मुक्की करते बैठने की जद्दोजहद। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 सैलानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटा रही है ट्रैवल हिस्ट्री, संपर्क में आने वालों की होगी कोरोना जांच। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। मुंबई से गोवा पहुंचे कॉर्डिलिया क्रूज पे कोरोना विस्फोट, क्रूज में मौजूद 66 लोग कोरोना पॉजिटिव, क्रूज में मौजूद है 2000 यात्री। कोरोना पीड़ितों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद गोवा सरकार ने क्रूज के लोगों को गोवा में उतरने की इजाजत नहीं दी, वापस मुंबई भेजा, लोगों में दिखी नाराजगी। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में, तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। क्रूज के एक स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पे हुआ था सभी 2000 लोगों का कोरोना टेस्ट, 66 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, फिर भी रवाना किया गया क्रूज। मुंबई में बीएमसी की तैयारी, क्रूज के मुंबई पहुंचने पे सभी 2000 लोगों का फिर से होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट के बाद उठाए जाएंगे जरूरी एहतियाती कदम। सुकमा में सीआरपीएफ के 38 जवानों को कोरोना निकला, क्वारंटीन किया गया। आगरा में एहतियात बढ़ाए गए, ताजमहल और आगरा फोर्ट के एंट्री टिकट बंद। कोलकाता पुलिस में भी फैला कोरोना, एक आईपीएस अफसर समेत 20 पुलिस कर्मचारी संक्रमित। स्पुटनिक लाइक के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है आज इजाजत, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी करेगी फैसला। गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल, टास्क फोर्स की बैठक में फैसला, 7 जनवरी के बाद लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। कोलकाता में डॉक्टर्स पे फूटा कोरोना बम, पॉजिटिव पाए गए एनआरएस अस्पताल के 70 डॉक्टर। गुजरात के जूनागढ़ के जंगली इलाके में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, डीएम ने बच्चों के साथ बातचीत कर जाना हाल, दूर दराज के बच्चे के टीकाकरण पे जोर। बिहार के खगड़िया में दुल्हन की तरह सजाया गया टीका केंद्र, बच्चों ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। हरियाणा के सिरसा में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 572 नए मरीज,
2261 के पार पहुंचा एक्टिव मामला का केसेस। प्रियंका गांधी के परिवार में कोरोना की एंट्री, एक सदस्य और एक स्टाफ पॉजिटिव। कांग्रेस महासचिव ने खुद को आइसोलेट किया। कोविड पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, सीएम के साथ मुलाकात से पहले हुआ एंटीजन टेस्ट। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार के 18 लोगों को कोरोना, पटना में कई डॉक्टर्स भी संक्रमित। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना का कहर, 100 छात्र कोरोना संक्रमित, हॉस्टल खाली करने के निर्देश। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए केसेस, कल की तुलना में 10.8% ज्यादा केसेस आए। देश में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 3.24%, 1,71,830 एक्टिव केसेस। देश में 24 घंटे में 11,007 लोग कोरोना से ठीक हुए, ठीक होने की दर 98.13%। देश में 24 घंटे में 99,27,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 140 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। देश में 24 घंटे में 11,54,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाए। मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत, पीएम मोदी ने ताली बजाकर खुशी जताई। मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विकास की सौगात, इंफाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इंफाल में रैली को भी संबोधित किया, कहा पहले सरकारें डोंट लुक ईस्ट नीति पर चलती थी, हमने बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया। त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा में पीएम मोदी 130 करोड़ रुपए की 72 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। अलीगढ़ के कासिमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पावर हाउस का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा पहले की सरकारों में मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली भी नहीं होती थी। तो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पाई जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, चार्ज ही नहीं हो पाता था। यूपी के बरेली में कांग्रेस की मैराथन रैली में भगदड़, कई छात्राएं दबी, जूते चप्पल सड़क पर बिखरे। कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने राजनीतिक साजिश बताते हुए दिया बेतुका बयान, कहा वैष्णो देवी में जब भगदड़ मच सकती है तो यहां क्यों नहीं। पंजाब में केजरीवाल के बाद कांग्रेस का फ्री वाला दांव, नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया। पंजाब की महिलाओं से कांग्रेस का वादा, फिर सरकार बनी तो हर महीने 2000 देने का वादा करते हैं। बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, 10वीं पास करने वाली लड़कियों को 15,000 और 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 20,000 का वादा। 5 जनवरी को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस बोली 5 साल बाद पीएम को आई सूबे की याद। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं, नवजोत सिद्धू यहाँ 5 साल गुत्थम गुत्थी होकर रहा है, और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा देके आया था। हैदराबाद में शुरू हुआ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड के अभियान की शुरुआत, योग गुरु रामदेव ने दिखाई हरी झंडी। जेल में ही कटेगी बापू को गाली देने वाले कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। उत्तराखंड की चुनावी सरगर्मी के बीच सीएम थामी ने गोलगप्पे का लिया लुत्फ, लोगों का जाना हालचाल। पंजाब के संगरूर में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पर लगाया ताला, अपनी मांगों को लेकर 20 दिसंबर से कर रहे हैं धरना।
बाराबंकी में दरोगा ने किया वर्दी का अपमान, सड़क पर छुए अयोध्या सांसद के पैर, एसपी ने किया लाइन हाजिर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नगर कीर्तन का आयोजन, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में 1300 साल पुरानी दुर्गा की मूर्ति मिली, बड़गाम के खाग इलाके से ये मूर्ति बरामद हुई। पुलवामा के अवंतीपुरा में एम्स के निर्माण काम में तेजी, स्थानीय लोगों को निर्माण काम में मिल रहा है रोजगार भी। श्रीनगर में छात्रों को दिया जा रहा है आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, 15 से 25 साल के उम्र के छात्रों के इलाज के लिए है ये कार्ड। महाराष्ट्र के नासिक में पतंग और मांझे के दाम में 20 से 25% की बढ़ोतरी, मांझे की नई बॉक्स पैकिंग और स्टैचू ऑफ यूनिट की तस्वीरों वाली पतंग की बिक्री ज्यादा। पंजाब एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, लुधियाना में हेरोइन के साथ 3 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। हैदराबाद में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाए गए जिंदा अंग, कामिनी अस्पताल से किम्स अस्पताल लाया गया ऑर्गन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेन की थीम पर रेस्टोरेंट लोगों को कर रहा है आकर्षित। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने विदेशी करेंसी के साथ शख्स को पकड़ा, 34 लाख रुपए से सऊदी नोट भी 34 लाख रुपए के सऊदी नोट बरामद हुए। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली, लोगों को अलाव का सहारा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के चलते बेघरों पर आफत, शेल्टर होम में बिता रहे हैं रात। बिहार में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का साया, पटना में भी दिखा घना कोहरा। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी, हर जगह नजर आ रहा है बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में बर्फ की जमी मोटी चादर, तापमान में भारी गिरावट देखी गई। गांव और कस्बों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अच्छी पहल, 200 रुपए तक ऑफलाइन भुगतान की अनुमति दी गई। दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक भारत का एक्सपोर्ट 37% बढ़कर रिकॉर्ड 37.29 अरब डॉलर हुआ, सरकार ने 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया। 2022 के पहले कारोबारी दिन सोने में तेज गिरावट दर्ज की गई, 3 जनवरी को गोल्ड में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। ओमिक्रॉन के बावजूद भारत की आर्थिक रिकवरी पटरी पर, नोमुरा के वीकली इकोनॉमी ट्रैकर निबरी 2 जनवरी को खत्म हफ्ते में 120.3 पर पहुंच गया है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास रचा, सोमवार को कंपनी की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर हो गई, एप्पल इस आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की कर रही है तैयारी, योजना के तहत रोजाना 50 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। सरकारी कंपनियों से ज्यादा हुई टाटा समूह की मार्केट कैप, 1990 के बाद पहली बार सरकारी कंपनियों से ज्यादा हुआ निजी समूह का बाजार मूल्य। सरकारी गारंटी वाली कर्ज स्कीमों में लोन देने के मामले में निजी बैंकों ने मारी बाजी, सरकारी बैंक्स के मुकाबले दिया ज्यादा लोन। दिल्ली मुंबई से बंगाल के लिए हफ्ते में 2 उड़ानों की मंजूरी से बढ़ेगा हवाई किराया। वर्क फ्रॉम होम की आजादी मिलने से टियर 2 शहरों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद, टियर 2 शहरों में सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे। चीन का कर्ज चुकाते चुकाते श्रीलंका के कंगाल होने की नौबत आ गई, कोरोना काल में बेकाबू होती महंगाई ने बिगाड़े हालात। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2021 में 9.36 लाख वाहनों की डिलीवरी की। 2021 में एसयूवी की बिक्री में आया जोरदार उछाल, बीते साल कुल पैसेंजर वाहनों की बिक्री में छोटी कारों की रही 40% हिस्सेदारी। राजस्थान के अलवर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में अयोध्या की तर्ज पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, 15 करोड़ की लागत से अपना घर शालीमार टाउनशिप में हो रहा है निर्माण। व्हाट्सएप ने नवंबर में 17,59,000 भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगाया, 6th यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट में किया गया इसका खुलासा।
ईरान में वियना में परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर जताई रजामंदी। अब तक कई बार चल चुकी है बातचीत। इसराइल को दो प्रतिष्ठित अखबार बने हैकर्स। इसराइल के दो प्रतिष्ठित अखबार हैकर्स का निशाना बन गए हैं। द यरूशलेम पोस्ट और मारीव की वेबसाइट हैक हुई है। ट्विटर ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन के अकाउंट पर लगाई अस्थायी रोक। सांसद पर भड़काऊ पोस्ट करने के लिए लगाया गया आरोप। अवैध घुसपैठ को लेकर दोनों कोरियाई देशों के बीच ठनी। साउथ कोरिया की सेना ने सीमा पार कर नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करने वाले शख्स को बताया उत्तर कोरिया। हांगकांग विधान परिषद के 90 सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। चीन के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय गीत गाने के बाद सांसदों का शपथ ग्रहण। फ्रांस में एक दिन में आए कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। इसराइल के तेल अवीव में कोरोना की जांच कराने के लिए लग रही है लंबी लाइनें। इसराइल में अब तक कोरोना के 14 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जर्मनी की क्रूज में मिले कोरोना के 52 मामलों से मचा हड़कंप। लिस्बन में 3,000 यात्रियों को जांच प्रक्रिया पूरी करने का निकाला गया लक्ष्य। स्पाइडरमैन नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। फिल्म रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही 2021 की तीसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी। कमाई के मामले में भी स्पाइडरमैन नो वे होम ने बनाया रिकॉर्ड। फिल्म ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा।